आइए समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर सब फॉर्म की स्थिति, यानी सब फॉर्म कैसे बनाया जाए और उस पर और भी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है, तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 है हमारे पास, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। और जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, और ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते ही हमारे सामने नया सिनेरियो आएगा। यहाँ पर आप डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रखता हूँ, ये रख करके, और यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद इसको एक नाम देना है। तो ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ, और ये टेबल है सपोज कीजिए प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिखा, और ये टेबल है तो टी लिख दिया, ताकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ये जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट टी, ये आ जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डाल देंगे प्रोडक्ट की आईडी, या केवल आईडी रख देते हैं, केवल आईडी, और ये प्राइमरी की है। देखिए यहाँ पर एक चाबी सी नजर आ रही है, इसका मतलब कि ये प्राइमरी की है। और इसका डेटा टाइप देखिए, बहुत सारे डेटा टाइप आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर नजर आ जाएंगे, और ये सारे डेटा टाइप हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑटो नंबर ही रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, ठीक है, ये सही रहता है। अब यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, यहाँ पर प्राइस करते हैं, और प्राइस करने के बाद यहाँ पर हम कर देते हैं करेंसी डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप करेंगे, करेंसी। और यहाँ पर यूनिट यानी क्वांटिटी कर देते हैं, और क्वांटिटी को कौन सा डेटा टाइप रखेंगे, तो इसको नंबर रखेंगे। और यहाँ पर देखिए फील्ड साइज में आपको लॉन्ग इंटीजर दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर इसे बना लीजिए डबल, क्या बना लीजिएगा, डबल, ठीक है। और यहाँ पर फिर टोटल प्राइस कर देते हैं, टोटल प्राइस, PRIC, टोटल प्राइस। और टोटल प्राइस में क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्रेशन बिल्डर ये ओपन होता है, और यहाँ पर टोटल प्राइस हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया प्राइस, और ये मल्टीप्लाई बाई QTY, यानी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, और ओके कर दिया। तो ओके करने पर अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए, जैसे यहाँ पर देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो ये आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। जैसे लिखा गया है क्वांटिटी यहाँ पर, ये देखिए वैसे ही लिखना है, ओके कर दीजिए, ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन इसमें टैक्स भी कैलकुलेट करने हैं, तो टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी इस टेबल को क्लोज करते हैं। यहाँ पर आईडी जो है इसे हमने प्राइमरी की बनाया है, अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर फिर एक और टेबल बनाएंगे, तो ये यहाँ पर जाकर के, और यहाँ पर कस्टमर टी करेंगे, यानी ये टेबल जो है कस्टमर की टेबल है, तो ये कस्टमर टी हो गया, और एंटर कर दिया, तो यहाँ पर ये कस्टमर की टेबल है, और यहाँ पर कस्टमर आईडी कर देंगे, ये हो गया कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, तो ये हो जाएगा कस्टमर आईडी। और कस्टमर आईडी का डेटा टाइप हम शॉर्ट टेक्स्ट रख लेते हैं, और शॉर्ट टेक्स्ट रखने के बाद यहाँ पर सिर्फ आईडी कर देते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए एक फील्ड का कॉमन होना जरूरी है, और इसे नंबर डेटा टाइप हम रखेंगे। यहाँ पे कर देंगे नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर कर दिया, और ये नेम ऑफ कस्टमर करने के बाद यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे डेटा टाइप, ठीक है। कस्टमर की सिटी, फोन नंबर, एड्रेस भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे सिटी आ जाएगा, और यहाँ पे फोन नंबर भी आप चाहे तो दे सकते हैं। इसमें आप लुकअप विजर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लुकअप विजर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पे जाकर के, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखा हुआ है हमने, और यहाँ से आप व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और व्यू पे क्लिक करते ये इस तरीके से आएगा। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसमें रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो डेटाबेस टूल्स पे जाके आप रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे पहले। तो यहाँ पर पहले प्रोडक्ट वाली टेबल, और ये हो जाएगी आपकी कस्टमर वाली टेबल। दोनों टेबल आ जाने के बाद ये आईडी का रिलेशनशिप आईडी से करवा देना है, तो ये आईडी का रिलेशनशिप आईडी से क्रिएट हो गया, वन टू मेनी रिलेशनशिप ये क्रिएट हो गया। देख सकते हैं इस तरीके से ये रिलेशनशिप बिल्ड हुई है। अब हमको क्या करना है, क्रिएट पे जा करके, और यहाँ पर क्रिएट पे जा करके, और यहाँ से फॉर्म विजर्ड पे जा सकते हैं हम। तो ये विजर्ड से जा करके, और पहले हम प्रोडक्ट वाली टेबल लेंगे, तो ये हमारी प्रोडक्ट वाली टेबल है, जिसमें आईडी, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी और टोटल प्राइस है। अब सेकेंड टाइम में आएंगे तो यहाँ पर कस्टमर आईडी की जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, फिर नेम ऑफ कस्टमर की जरूरत होगी, कस्टमर की सिटी और फोन नंबर की जरूरत है, तो ये सब करके, और ये देखिए ये यहाँ पे बन रहा है सब फॉर्म। तो दो तरीके की चीजें हैं यहाँ पर, ये सब फॉर्म है, ये लिंक फॉर्म है, ठीक है। लिंक फॉर्म के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप कस्टमर वाले टेबल को प्राथमिकता देना चाहेंगे या प्रोडक्ट वाले टेबल को, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट वाले टेबल को ही प्राथमिकता देंगे, यानी प्रियोरिटी इसी को देंगे। नेक्स्ट करेंगे, डेटा टेबुलर फॉर्म में चाहिए या डेटा शीट फॉर्म में, तो फिलहाल हम टेबुलर फॉर्म में रखने वाले हैं। और यहाँ पर ये मॉडिफाई डिजाइन पे जाके क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा सब फॉर्म बन गया है, देख सकते हैं ये सब फॉर्म है। यहाँ से आप इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से आ गया है, और क्लिक करके और देन यहाँ से जाएंगे ये इस तरीके से,
यहां पर जाकर के, और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ऐसे, ठीक है, और ये प्राइस पे जाएंगे तो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और यहां से क्वांटिटी पे जाएंगे तो इसको भी थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, और छोटा करने के बाद ये टोटल प्राइस है तो टोटल प्राइस को भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस तरीके से, और इतना करने के बाद यहां पर आकर के और कंट्रोल ए करेंगे, तो कंट्रोल ए करने के बाद क्या करना है आपको, होम टैब पे जाना है, और होम टैब पे जाने के बाद बोल्ड करना है इसे, और यहां से ब्लैक कलर में इसे कन्वर्ट करेंगे, और इसका बैकग्राउंड हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप यहां से जाएंगे और जो भी बैकग्राउंड लगाएंगे वो बैकग्राउंड इसमें आ जाएगा, ठीक है, जैसे ये बैकग्राउंड आ चुका है, ठीक है। अब इस पर जो है यहां से आप चाहे तो बटन्स भी लगा सकते हैं, तो ये देखिए ये हमारा बटन है, तो बटन पे जाइए, क्लिक कीजिए और यहां पर इसे ड्रैग करवा लीजिए, ड्रैग करवाते ही ये इस तरीके से ओपन होगा, तो आप इस पर बटन भी लगा सकते हैं, सब फॉर्म पे ही बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बना रहे हैं हम, और यहाँ पे टेक्स्ट ही रखेंगे हम, और ये देखिए ये इस तरीके से एक बटन आ गया, ठीक है। अगर आप नया रिकॉर्ड ऐड कराना चाहते हैं तो उसके लिए बटन बनाना चाहते हैं तो यहां से जाकर के बना सकते हैं, ठीक है, और यहां पर जाएंगे तो ये आएगा, और यहां पर देखिए ऐड न्यू रिकॉर्ड का ये बटन आ रहा है, यहां से जाकर के और इसको टेक्स्ट रख करके और नेक्स्ट करके फिर यहां से फिनिश कर दीजिएगा, तो यहां पर ये भी एक बटन ऐड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से और भी बटन चाहे तो ऐड करा सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, एक और बटन हम इसमें बना देते हैं, डिलीट रिकॉर्ड का बटन, तो यहां पर आते हैं तो इसमें तो डिलीट रिकॉर्ड है नहीं, यहां पर आकर के डिलीट रिकॉर्ड का एक बटन बना लेते हैं, ठीक है, और यहां से जाके नेक्स्ट करके और यहां से इसे फिनिश करेंगे, और फिनिश करने के बाद इस तरीके से आएगा। और एक और हम यहां पर बटन बनाना चाहते हैं, और उस बटन का क्या नाम है उसको देखते हैं, यहां पर जाकर के फिर क्लिक करते हैं और यहां से जो है प्रीवियस का एक बटन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस वाला बटन, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, यहां से नेक्स्ट करके, टेक्स्ट करके और नेक्स्ट करके और फिर इसको फिनिश कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और यहां पर इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसमें और भी चीजें करेंगे, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इसको हटाएंगे यहां से, और इसको जो है यहां पर चाहे तो हम कॉम्बो क्रिएट कर सकते हैं, तो कॉम्बो कैसे क्रिएट होगा ये देखिए, ये कॉम्बो बॉक्स है आपका, यहां पर देख सकते हैं ये जो है कॉम्बो बॉक्स है, तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस पर ड्रैग करवाएंगे तो यहां पर कॉम्बो बॉक्स बनता हुआ आपको नजर आएगा, और ये थर्ड वाले ऑप्शन पर टिक करके यहां पर जाकर के आईडी के बेस पे हम सर्च करेंगे और यहां से नेक्स्ट करके और नेक्स्ट करके और यहां पर फिनिश कर देंगे इसको, तो यहां पर ही आ जाएगा। इसका कलर भी बदल देते हैं, यहां से होम टैब पे जाके और इसको ब्लैक कलर में रखेंगे, और इसका जो कलर है ये चेंज करेंगे, इसका कलर हम हल्का सा येलोइश कर देते हैं, तो ये भी कलर चेंज हो गया। अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमारा नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें रिकॉर्ड्स वगैरह फिल हुए नहीं है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट वाले टेबल में हम रिकॉर्ड फिल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट में हम रख देते हैं, सपोज कीजिए कंप्यूटर रख देते हैं, ठीक है, और इसकी प्राइस कितनी है तो यहां पर प्राइस डाल देते हैं 40,000, एक की प्राइस है 40,000, क्वांटिटी 6 है तो इसकी टोटल प्राइस आ गई, ठीक है। फिर यहां पे सेकंड प्रोडक्ट है सीपीयू है, तो सीपीयू का जो प्राइस है वो 30,000 है, तो यहां पे 30,000 आ गया और 7 जो है यहां पे आया, तो इस तरीके से ही आ गया। प्रिंटर कर देते हैं PRINTER प्रिंटर, तो प्रिंटर की जो प्राइस है वो है 18,000 या 19,000 कर देते हैं, 19,000, और यहां पे 8 प्रिंटर्स की बात हो रही है। इसी तरीके से स्कैनर कर देते हैं, ये हो गया स्कैनर, और स्कैनर जो है इसकी प्राइस है 6,000 रुपए, तो यहां पर जो है 7 स्कैनर की बात हो रही है, तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और सेव करके इसको क्लोज करते हैं। अब कस्टमर की डिटेल भरते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कस्टमर की आईडी हमें E01 ये हमने कर दिया, क्योंकि टेक्स्ट डेटा टाइप लिया है, तो यहां पर इस तरीके से कर सकते हैं। और कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर का नेम है अमित, सुमित, जो भी देना हो यहाँ पे कस्टमर का नेम दे सकते हैं आप, ठीक है, तो ये अमित दे दिया। फिर सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे देवरिया कर देते हैं, फिर फोन नंबर जो भी इनका आता हो वो फोन नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि एक ही अगर कस्टमर कई प्रोडक्ट परचेस करता है तो हम एक तीसरी टेबल बना करके और जो ये कस्टमर आईडी है इसको हम जो है फॉरेन की वहां पर रख करके और तब काम कर सकते हैं, और तब जो है ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आपको कस्टमर आईडी अलग अलग ही रखनी होगी और अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्रोडक्ट ही देना होगा, लेकिन उस कंडीशन में आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपको सेम कस्टमर को देना हो तो ये काम किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जयेश एक नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये भी देवरिया के रहने वाले हैं, और यहाँ पर आ जाएगा इनका फोन नंबर जो भी होता हो, तो इस तरीके से मैंने एंटर कर दिया। फिर यहाँ पर आते हैं तो अगला आएगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे E01 दोबारा रख पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसे प्राइमरी की बनाया गया है, ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते। तो ये 3 कर दिया हमने,
और यहाँ पे थ्री रखते हैं और यहाँ पे हिना कर देते हैं एक और नाम, ठीक है, और यहाँ पे देवरिया कर देते हैं डी ओ आर आई ए, ये देवरिया हो गया, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और अब क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज करना है सेव करके, तो ये क्लोज हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट वाली टेबल को भी क्लोज कर देंगे और रिलेशनशिप वाली टेबल को भी इसको क्लोज कर देंगे। अब जरा आते हैं इस पर सब फॉर्म पर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट टी वाला है ये हमारा, तो यहाँ से जब आएंगे ना तो देखिए ये कस्टमर आईडी तो आ ही रहा है इसका, तो अभी यहाँ से अगर हम चूज करते हैं, यहाँ पे थ्री चूज करते हैं, तो देखिए थ्री वाले कस्टमर का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट भी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पे क्विक प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये जो है प्रीव्यू कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर जो है वर्क करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी बात कि सब फॉर्म पर अगर आपको बटन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तमाम बटन्स भी नजर आ रहे होंगे जो हमने बनाए थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बटन्स वगैरह भी आपको नजर आ रहे होंगे, और यहाँ पर जब हम जाते हैं तो ये नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप प्रीवियस या नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आया, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड आया, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड आया, तो ये इस तरीके से चलेगा। अगर न्यू रिकॉर्ड ऐड कराना है तो ऐड भी करा सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।